नमस्कार दोस्तों, पता ही होगा आपको कितना गर्मी हो रहा है। तो दोस्तों, इस गर्मी से बचने के लिए तो दोस्तों इस साल का गर्मी जितना हो रहा है कि उससे बचने के लिए मैंने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके छत मतलब आपका जो रूम है उसके ऊपर अगर छत है मतलब घर नहीं होगा तो डायरेक्ट आपको सन पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका छत है मतलब हीट को ऑब्जर्व करके जब फैन जब चला रहे होंगे क्या होगा कि फैन जब घूमता है वो गर्म हवा वो नीचे आता है, जिसके वजह से क्या होता है कि रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जिसके वजह से हम अगर एसी हर दिन यूज करेंगे तो क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रिक बिल बढ़ेगा। हम कुछ ऐसा करते हैं जिसके क्या होगा कि रूम का टेम्परेचर कुछ डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद हमने सोचा कि हम छत के ऊपर एक रूफ कूलिंग मटेरियल लगाते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, उससे क्या होगा जो सन का रेज है वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, जिसके वजह से जो छत में वो हीट ऑब्जर्व नहीं होगा, जिसके वजह से रूम का टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली कुछ मात्रा में डिक्रीज होगा, जिसके वजह से रूम थोड़ा ठंडा लगेगा। तो दोस्तों, मैंने अमेजोन से ये आप मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ चुका है हमारा, मैंने इसको ऑर्डर किया था। ये लुमिनस का कोल रूफ कोटिंग है और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये ऑर्डर है अमेजोन से। और चलिए इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये रहा रहा हमारा लुमिनस का कूल रूफ सोलर रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, जिसकी वजह से ये देख सकते हैं ये छत के ऊपर व्हाइट का पेंटिंग हुआ है और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों, ये रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल या कंपनी कहती है इको फ्रेंडली है, इम्प्रूव होम कंफर्ट। तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक बिल ऐसा हो सकता है क्योंकि रूम का टेम्परेचर कमेगा, जिसकी वजह से आप एसी और फैन ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करना पड़ेगा। ये भी उस तरह भी यही है। और आप देख सकते हैं मैंने 10 केजी का मंगाया है, लुमिनस 10 केजी नेट। देख सकते हैं इसे प्राइस और अमेजन भी कम पड़ा, और जो पड़ा मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। बेस्ट फॉर 20 मंथ्स बिफोर यूज़, और बस इतना ही था। और यहाँ पे शायद लिखा है कैसे यूज़ करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है। और तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हाउ टू अप्लाई, चूज ए ब्राइट सनी डे, अप्लाई फास्ट कोट ऑन द प्रिफर्ड सरफेस यूजिंग रोलर ब्रश स्प्रे फॉर 4 to 6 आवर्स, उसको ड्राई करने के छोड़ देंगे 4 to 6 आवर जो फास्ट कोटिंग होगा। नाउ अप्लाई द सेकेंड कोट परपेंडिकुलर टू द फास्ट कोट एंड लीव टू कम्प्लीटली ड्राई फॉर मिनिमम 2 डेज लिखा हुआ है। द एल्यूमिनियम कोटेड रूफ इज रेडी आफ्टर 24 आवर्स ऑफ कम्प्लीटली ड्राइंग, मिनिमम 2 रिकमेंडेड फॉर बेस्ट रिजल्ट। 1 kg ऑफ कोटिंग कवर्स एन एरिया ऑफ 20 to 30 square foot डबल फिट कोस्ट। 1 kg 20 to 30 square foot, तो मैंने 10 kg मंगाया है तो हमारा 100 to 200 square feet आराम से ये हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके पहले हमको छत को रिपेयर करना मतलब छत को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आ चुके पहले आपको मेक श्योर आपको जो छत है आपको साफ करना पड़ेगा। साफ करके अच्छे से साफ करने के बाद हम इसको धोएंगे, धोने के बाद इसके ऊपर हम कोटिंग डालेंगे, 2 कोटिंग डालेंगे। देखते हैं पूरा अच्छी तरीके से आपने, और ऑलरेडी धूप आ चुका है और इतना गर्मी है क्या ही बताऊँ, पर पोता ही चल रहा होगा पसीना से। इनफैक्ट अभी काम किया इसलिए पसीना हो रहा है, पर ह्यूमिडिटी बहुत हो रहा है और गर्मी बहुत रहा है। इसी तरह अच्छे से पूरा आपको साफ करना होगा, पहले देख सकते हैं पूरा डस्ट फ्री होना चाहिए। और
को लगाने के बाद एक महीना वेट किया, आज 15 मई, मैंने 15 अप्रैल को ये हमारे छत पर ये कोटिंग लगाया था और एक महीने तक वेट किया ताकि मैं आपको एक अच्छा से एक रिव्यू दे सकूं। और मतलब एक महीने में बहुत बार बारिश है फिर भी ये छूटा नहीं है अब तक। हमने सिर्फ छत के इस पोर्शन को ही हमने कलर किया था क्योंकि यहाँ पर ही मेरा रूम है और मेरे पेरेंट्स का रूम है, तो ये इस पार्ट को ही हमने सिर्फ किया था कलर। और मैं आपको बता सकता हूँ कि हम मतलब जितना गर्मी होता था, मतलब जो दोपहर को जब हम फैन चलाते थे तो क्या होता था कि पूरा छत इतना मतलब गर्म होके रहता था कि पूरा फैन, सीलिंग का जो फैन है वो मतलब सभी जो क्या बोलते हैं उसको हॉट एयर को मतलब नीचे छोड़ रहा था। पर अभी क्या हो रहा है कि ये लगाने के बाद ये बहुत सारे जो इसे लगाने के बाद जो सूरज के जो किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं जिसके वजह से हीट अब्जर्ब इतना नहीं हो रहा है, जिसके वजह से बहुत ही टेम्परेचर कम हो रहा है। मतलब इतना भी टेम्परेचर कम नहीं है पर रिलैक्स है, मतलब जितना गर्मी में हालत ख़राब हो रहा था ऐसा नहीं हो रहा था। तो दोस्तों इसे लगाने के बाद हम इसलिए मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर में गिरावट आया है। कितना ज़्यादा नहीं, 7-8 डिग्री सेल्सियस तो कम ही होगा जो कि एनफ है। और मुझे लगा था कि बारिश होने के बाद ये मतलब इतना बार बारिश हो चुका है कि मुझे लगा कि ये जो पेंट है ये धुल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। इसे लगाने से ये नहीं धुला था, मतलब इतना बार 5-6 बार तो मिनिमम हो चुका है पर फिर भी ये इंटैक्ट है एंड अभी भी ये ठंडक दे रहा है। तो दोस्तों आपको भी गर्मी से निजात चाहिए तो आप भी इसको अपने छत के ऊपर लगा सकते हैं। मैंने इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। और इसके साथ से वीडियो यहीं तक, जय हिंद जय जगन्नाथ वंदे मातरम।